मॉर्निंग फ्रेंड्स सो लॉजिकल रीजनिंग का थियरी का पहला टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो चुका है अब हम शुरुआत करेंगे मित्रों क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पहले प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ सो so, बहुत लोगों को इंतजार था कब प्रैक्टिकल आएगा कब प्रैक्टिकल आएगा अभी तक तो सर सर, सर थियोरी पढ़ा रहे तो अब सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाते जाऊँगा मित्रों में बहुत सारे प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं बस पढ़ते रहिएगा मजे लेते रहिएगा लॉजिकल रीजनिंग के अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ अपना पढ़ने का सिक्वेंस क्या होगा सो so, पहले तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा आप बोलेंगे सर ये तो हम हम सब लोग जानते हैं क्लॉक्स वॉक्स हमें सब पता है मित्रों आपको जो जानकारी है क्लॉक्स के बारे में वो अलग होती है और लॉजिकल रीजनिंग में जिस प्रकार के एम पूछे जाते हैं उसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टोटली अलग है तो इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा फर्स्ट थिंग ठीक है सो सबसे पहले हम हर एक कॉन्सेप्ट के डिटेल डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर एम सी क्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है सो पहले कॉन्सेप्ट का डिटेल डिस्कशन होगा कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा और उसके बाद उसका सोलूशन बताऊंगा और कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन होंगे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन यानी वो क्वेश्चन मैं अपने मोबाइल ऐप के सेक्शन में नोट्स के सेक्शन में डाल दूंगा उसमें जाके आपको सॉल्व करना है उसके आंसर्स आपको उसके बाद मिल जाएंगे

फर्स्ट थिंग नोटबुक होना चाहिए सेकेंड थिंग आपके पास पेन पेंसिल स्केल यानी जोमेट्रिक बॉक्स लेके बैठिएगा इसके बाद थर्ड थिंग विच इज इसशियल इज कैलकुलेटर सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना अलाउड है तो कैलकुलेशंस के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए मित्रों मोबाइल पे कैलकुलेशन नहीं करना है एग्जामिनेशन में मोबाइल कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर जो इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है साइंटिफिक वाला नहीं वो भी नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है सो बेसिक फंक्शन वाला कैलकुलेटर लेना ठीक है अब सॉल्व uh, करते वक्त मैं आपको कैलकुलेटर के बहुत सारे शॉर्टकट सिखाऊंगा तो मोबाइल पे वो शॉर्टकट्स ऑपरेट नहीं होते मोबाइल के कैलकुलेटर पे शॉर्टकट्स ऑपरेट नहीं होते सो so इसलिए आप जो कैलकुलेटर लोगे वो नॉर्मल फंक्शंस वाला कैलकुलेटर लेना लेक्चर देखते वक्त मेरे साथ जब सॉल्व करोगे या जब मैं आपको एम सॉल्व करने के लिए दूंगा तो बच्चे डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है तो पहले जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरे साथ सॉल्व करना है उसके बाद मैं जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा वो पहले आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आप आंसर्स देखेंगे सो दिस आर समू नीड टू हैव सो ये बेसिक चीजें जो आपने पहले लेनी है जमा करनी है उसके बाद ही आगे का लेक्चर्स देखिएगा और मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा सो लेट us बिगिन विथ क्लॉक्स सो क्लॉक के डिस्कशन से करते हैं शुरुआत तो सबसे पहले क्लॉक को समझना बहुत जरूरी है आपको अगर आप क्लॉक को समझ पाते हो तो ही उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो पहले तो वॉट आर द वेरियस कम्पोनेंट्स ऑफ क्लॉक क्लॉक के अलग अलग कंपोनेंट्स के हैं सो तो मित्रों चलो आइए करते हैं डिस्कस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द क्लॉक। सो डिस्कशन करने से पहले नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है नोटबुक निकाल लीजिएगा और मेरे साथ जैसे मैं डिस्कस करते जाऊँगा वैसे आप नोट करते जाइए ठीक है पहले तो नोटबुक में आप फ्री हैंड ड्राॅइंग निकालिए क्लॉक का सर्कल जैसे आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वैसे क्लाक निकालिएगा अब uh, क्लाक ड्रॉ करने के बाद आराम से बैठ जाइएगा क्लाक ड्रा करने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ देखिए पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद इतमान से उसके कंपोनेंट्स आप भर दीजिएगा तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले इन ऑल वी नीड टू डिस्कस थ्री कॉन्सेप्ट क्लॉक के थ्री कंपोनेंट्स हमें डिस्कस करने हैं उसमें से पहला कंपोनेंट जो है जिसको हम कहते हैं फेस ऑफ द क्लॉक या डाइल ऑफ द क्लॉक फेस ऑफ द क्लॉक या डाइल ऑफ द क्लॉक का मतलब क्या है ये जो आप आ, आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है ठीक है सो so ये, 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 ये जो क्लॉक आपको दिखाई दे रहा है मित्रों इसका शेप आप मुझे बता सकते हैं किस शेप में है ये क्लॉक यस बिल्कुल सही ये जो है फेस या डाइल जो है ना सर्कुलर शेप का होता है सर्कुलर शेप ठीक है यानी सर्कल की शेप की डाइल होती है अब यह सर्कुलर शेप की होनी मैंडेटरी है क्या हाँ बिल्कुल सर, क्वेश्चन सर, यानी जो हम लॉजिकल रीजन में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसमें क्लॉक हमेशा सर्कुलर शेप का ही होगा आ, हाँ लेकिन मार्केट में आपको अलग अलग शेप के क्लॉक मिलते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉक जो है वो सर्कुलर शेप का ही होगा हमारे लिए तो पहला कंपोनेंट जो आपको याद रखना है फेस ऑफ द क्लॉक या डाइ ऑफ द क्लॉक ठीक है सो डाइ ऑफ द क्लॉक और फेस ऑफ द क्लॉक इज ऑलवेज सर्कुलर इन शेप अब सर्कल होने की वजह से सर्कल इज मेजर्ड इन डिग्रीज तो ये सर्कल जो होता है वो हमेशा थ्री सिक्सटी डिग्रीज का होता है ये तो आप जानते ही हो ठीक है यानी एक पूरा राउंड रोटेशन कंप्लीट होने के बाद जो एंगल तैयार होता है वो थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल तैयार हो जाता है तो क्या हम कह सकते हैं क्लॉक जो है वो थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल का है बिल्कुल सही उसके बाद सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है डल्स ऑफ द क्लॉक नीडल्स या नीडल्स को ही हम कहते हैं ठीक है सो बेसिकली तीन नीडल्स होती है क्लॉक में तीन सुइया होती है नीडल्स को हैंड्स का हो ठीक है अंग्रेजी भाषा में उसको नीडल्स ऑफ द क्लॉक कहा जाता है याड्स ऑफ द क्लॉक कहा जाता है तो बेसिकली मित्रों तीन नीडल्स है सबसे लंबी नीडल जो होती है या सबसे तेज भागने वाली नीडल होती है घड़ी तो आपने देखी होगी तो सबसे तेज जो भागने वाली घड़ी होती नीडल होती है उस घड़ी में उसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड सेकेंड्स का जो हैंड है वो सबसे तेज भागता है ठीक है या सेकेंड्स का नीडल कहते हैं या का हैंड कहते हैं जो सबसे तेज भागता है ठीक है उसके बाद थोड़ी धीमी रफ्तार से भागने वाला जो हाथ होता है वो उसको हम कहते हैं मिनट हैं। हैंड उसको हम कहते हैं मित्रों मिनट हैंड मिनट की सुई जो होती है वो थोड़ी सी धीमे भागती है और सबसे धीमे भागने वाली सुई जो है तीसरे नंबर की जो सुई है वह आर हैंड, ठीक है यस अवर की सुई जो है होती है ठीक है घंटे की जो सुई होती है ठीक है सो आर हैंड जिसको हम कहते हैं या आर नीडल जिसको हम कहते हैं ये सबसे धीमे 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 चलती है तो जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है नीडल्स ऑफ द क्लॉक सो मित्रों अभी ये नीडल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपको याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहले सुई जो हमने देखी यानी सबसे पहली नीडल जो देखी वो सेकेंड्स की या जिसको हम सेकेंड हैंड कहते हैं उसके उसके बारे में हमने डिस्कशन किया ये सबसे तेज भागने वाली सुई है अब समझो ये सुई जो है ये सेकेंड की सुई जो है ये ट्वेल्व क्लॉक को प्रोजेक्ट करके है समझो यहाँ से स्टार्ट होती है ट्वेल्व के नंबर से सेकेंड की सुई स्टार्ट होती है तो ये सेकेंड के सुई को पूरा एक कंप्लीट राउंड रोटेशन करने के लिए यानी ट्वेल्थ से लेकर ट्वेल्व तक आने के लिए उसको कितना सेकेंड्स घूमना पड़ता है सिक्सटी सेकेंड्स घूमना पड़ता है सिक्सटी सेकेंड्स का हम जानते एक मिनट होता है तो ये सेकेंड्स uh, की सुई को एक पूरा सर्कुलर रोटेशन लगाने के लिए सिक्सटी सेकेंड्स लगते हैं तो क्या हम कह सकते हैं सेकेंड्स की नीडल के बारे में क्या हम ये फैक्ट कह सकते हैं ठीक है फॉर अ सिंगल रोटेशन द सेकेंड्स नीड इल शेल मूव फॉर सिक्सटी सेकेंड सिक्सटी सेकेंड्स को इंडिकेट करने के लिए ऊपर दो बार एफोस्टफ़ी लगाते हैं जब हम दो बार एफोस्टफी लगाते हैं तो वो सेकंड्स का सिंबल बन जाता है तो 60 सेकंड्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है और वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 सिक्सटी डिग्रीज तो कैन वी से 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 360 सिक्सटी डिग्रीज बिल्कुल सही है सेम मिनट के सुई का है मिनट के सुई को पूरा एक रोटेशन लगाने के लिए यानी मिनट की समझो ये सुई मिनट की है और मिनट ट्वेल्व से के से स्टार्ट होता है बाद में मिनट हल्के 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 बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ठीक है सिक्सटी मिनट्स लगते हैं सिक्सटी मिनट्स मिनट्स इज इंडिकेटेड बाई ए सिंगल फॉस्टफी सो कैन वी से फॉर मिनट्स हैंड टू कंप्लीट अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द डाइल ऑफ द क्लॉक दैट इज फेस ऑफ द क्लॉक इट टेक 60 मिनट्स 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है सेम अगर हम आर के नीडल के बारे में डिस्कशन करें तो आर की सुई साहब से धीरे 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 भागती है तो एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए 12 आवर्स लगते हैं आर्स के नीडल को 12 घंटे के बाद वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो इसका मतलब पूरे सर्कल को कवर यानी 360 डिग्री एंगल को कवर करने के लिए आर्स की नीडल को 12 आर्स लगते हैं सो कैन वी से इन 12 आवर्स एन एंगल ऑफ 360 सिक्सटी डिग्री कवर्ड बाय द आर्स नीडल ठीक है सो so, ये आपको याद रखना है मित्रों ठीक है सो सेकेंड्स के नीडल को एक कंप्लीट रोटेशन लगाने के लिए 60 सेकेंड्स लगते हैं मिनट के नीडल को एक कंप्लीट रोटेशन लगाने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं वही आर्स के नीडल को एक कंप्लीट रोटेशन लगाने के लिए 12 आवर्स लगते हैं 12 आवर्स में कंप्लीट रोटेशन हो जाता है ठीक है सो ये मैंने सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको बताया पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया फेस ऑफ द क्लॉक सेकेंड कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने नीडल्स ऑफ द क्लॉक के बारे में बताया दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो है नंबर्स इन द क्लॉक ठीक है सो हम सब लोग जानते हैं कि क्लॉक के अंदर ट्वेल्व नंबर्स होता है वन से लेके ट्वेल्व तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइन इलेवन और ट्वेल्व सो ट्वेल्व नंबर्स होते हैं ईच नंबर इंडिकेट्स एन आर वन नंबर इज इज इक्वल टू वन आर ठीक है सो so, क्या हम कह सकते हैं पूरे क्लॉक का एक रोटेशन मीन्स ट्वेल्व आवर्स बिल्कुल सही लेकिन हमारा एक दिन ट्वेल्व आवर्स का होता है या ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है हमारा एक दिन जो होता है मित्रों वो ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है तो इसका मतलब एक दिन को कंप्लीट करने के लिए जो आर की नीडल है घंटे की जो आर की सबसे छोटी वाली नीडल है जो सबसे धीमे धीमे भागने वाली जो नीडल है इस नीडल को एक दिन में दो बार कंप्लीट रोटेशन लगाने पड़ेंगे एक बार आर की नीडल कंप्लीट रोटेशन लगाती है तो ट्वेल्व आवर्स कंप्लीट कर देती है दो बार अगर कंप्लीट रोटेशन लगाएगी तो ट्वेंटी फोर आवर्स कंप्लीट कर देगी इसका मतलब आर्स के नीडल को ठीक है दिन में दो बार कंप्लीट रोटेशन लगाने पड़ते हैं आर्स की नीडल दिल में दो बार कंप्लीट रोटेशन लगाने के बाद ही 24 फोर आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं सो आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है एक बार आराम से रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आप लिख दीजिएगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया वो था फेस या डाइल ऑफ द क्लॉक फेस ऑफ द क्लॉक क्लॉक का फेस जो है वो सर्कुलर फेस में आता है क्लॉक ठीक है so, सो जिसको हम डाइल ऑफ द क्लॉक कहते हैं ठीक है सो ये जो फेस ऑफ द क्लॉक या डाइल ऑफ़ द क्लॉक होती है सर्कुलर शेप की होने के कारण इसका एंगल 360 सिक्सटी डिग्रीज का बनता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ जो आपको याद रखनी है प्रॉब्लम के लिए ये पूरे सर्कल का 360 सिक्सटी डिग्री के एंगल अगर याद रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत आसानी होगी उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया नीडल्स ऑफ द क्लॉक के बारे में नीडल्स या हैंड ऑफ द क्लॉक तो बेसिकली तीन हैंड्स है या तीन नीडल्स है जो आपको याद रखनी है सबसे तेज भागने वाली सुई जो है जिसको हम सेकेंड हैंड कहते हैं उससे थोड़ी सी धीमे भागने वाली सुई जो है मिनिट हैंड है और सबसे धीमे भागने वाली सुई जो है वो है आपकी आर हैंड तो ऐसे तीन हैंड्स हैं ठीक है सेकेंड्स uh, के हैंड को पूरा कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के लिए सिक्सटी सेकेंड्स लगते हैं मिनट के हैंड को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए सिक्सटी मिनट्स लगते हैं आर के हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन uh, के लिए ट्वेंटी फोर आवर्स लगते हैं सॉरी ट्वेल्व आवर्स लगते हैं सो ये भी आपको याद रखना है देन थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्लॉक का होता है कि क्लॉक में सिर्फ ट्वेल्व नंबर्स है वन नंबर इंडिकेट्स एन एन आर एक नंबर इज इक्वल टू एक आर है सो एक कंप्लीट रोटेशन जब क्लॉक का होता है तो ट्वेल्व आवर्स कंप्लीट होते हैं एक दिन हमारा 24 घंटे का है तो 24 घंटे का के एक दिन में जो हमारे आर का हैंड है वो दो बार रोटेशन कंप्लीट कर लेता है ठीक है सो so ये चीजें आपको पक्की दिमाग में फिक्स करके रखनी है ये चीजें अगर दिमाग के अंदर रहती है तो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकते हैं ठीक है सो so ये नोट कर लीजिए फटाफट तो मित्रों कंपोनेंट्स ऑफ द क्लॉक समझने के बाद अब सबसे अहम डिस्कशन जो हम करने जा रहे हैं है, वो है एंगल्स ऑफ द क्लॉक सो दो हैंड्स हैं या दो नीडल्स हैं जो सबसे अहम है एक जिसको हम कहते हैं मिनिट हैंड और दूसरा जो है वो आर हैंड मिनिट हैंड और आवर का हैंड जो जो है वो एंगल क्रिएट करते हैं कितने डिग्रीज के एंगल क्रिएट करते हैं कैसे क्रिएट करते हैं ये समझना आपको बहुत जरूरी है तो इसके आगे का डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर का है बिल्कुल ध्यान दे सुनिएगा कहीं मत हीगा पूरा हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद ही लिखिएगा बीच में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिनिट हैंड से मित्रों तो लेट अस मिनिट हैंड सो आप सब लोग जानते हैं मिनिट हैंड को एक राउंड रोटेशन लगाने के लिए यानी सर्कल को पूरा कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड को 60 मिनट्स तक दौड़ना पड़ता है हम इसको एम एच कहेंगे एम एच फॉर मिनट हैंड ये जो मिनट हैंड है ये 60 मिनट्स का जब फासला क्रिएट कर, कवर करेगा तब जाके एक राउंड सर्कल बनता है तो अगर इसको अगर हम इस प्रकार से लिखे वन कंप्लीट रोटेशन के लिए फॉर अ कंप्लीट रोटेशन Minutes. Minutes so तो so क्या हम कह सकते हैं सिक्सटी मिनट इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री यानी सिक्सटी मिनट्स में ये जो मिनिट हैंड है वो थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल क्रिएट करता है ठीक है ऐसे समझ लीजिएगा साठ मिनट होते हैं साठ मिनट ये जो मिनट हैंड मिनट की सुई जो है यहां से शुरू की ठीक है so सो यहां से शुरू करने के बाद ये आगे 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 आगे, आगे, आगे बढ़ती गई और फिर से ट्वेल्थ तक आने के लिए इसको टोटल कितने मिनट्स मिनट्स लगे तो 60 लगे मित्रों तो क्या हम कह सकते हैं सिक्सटी मिनट्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है और एक रोटेशन में थ्री डिग्री का एंगल बनता है इसका मतलब मिनट हैंड को थ्री डिग्री का एंगल बनाने के लिए साठ मिनट लगते हैं ठीक है थीके? तो सर इससे आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं इससे हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं मित्रों कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल अगर क्रिएट होता है तो एक मिनट में कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता होगा एक मिनट में कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता होगा सो so, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल अगर क्रिएट होता है तो एक मिनट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे 360 डिग्रीज डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, सो इन वन मिनट वी कवर एन एंगल ऑफ इन वन मिनट वी कवर एन एंगल ऑफ सिक्स डिग्री तो एक मिनट में जो है भाई साहब 6 डिग्री का एंगल बनता है ओके okay, सर ये समझ में आ गया सर ठीक है यानी सर इसको हम ऐसे समझे मिनट की सुई जब एक कंप्लीट राउंड रोटेशन लगाती है तो 60 मिनट लेती है कंप्लीट राउंड रोटेशन लगाने के लिए अब ये कंप्लीट राउंड रोटेशन लगाने के बाद जो एंगल क्रिएट होता है वो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल अगर कवर होता है तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होता होगा तो हमने थ्री डिग्री डिवाइड बाई साठ मिनट कर दिए कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा तो इसका मतलब एक मिनट में छः डिग्री का एंगल कवर होता है ये बात हमें समझ में आ गई सर ठीक है सर सो दिमाग में बहुत इक्वेशन क्लियर है एक मिनट में सात डिग्री का छह डिग्री का एंगल कवर होता है वही सिक्सटी मिनट्स में तीन सौ सात डिग्री का एंगल कवर होता है ओके सर दिस इज क्लियर अब आगे बढ़ते हैं सर अब बढ़ता पे दो नंबर्स के बीच में जैसे अगर हम बात करें ट्वेल्व और वन ये दो नंबर है दो नंबर के बीच में कितने मिनट होते हैं मित्रों पांच मिनट होते हैं ये तो आप जानते ही हो जैसे यहां पे वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ रहेगा उसके बाद वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ रहेगा वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ तो दो नंबर के बीच में मित्रों हम सब लोग जानते हैं कि पाँच मिनट होते हैं दो नंबर के बीच में कितने मिनट होते हैं मित्रों पाँच मिनट होते हैं मैं पूरा का पूरा प्लॉट कर देता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आए इसलिए सो दो नंबर के बीच में पाँच मिनट का फासला होता है तो ऐसे पाँच 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 मिनट का फासला बारह नंबर के बीच में साठ मिनट का फासला बन जाता है है ठीक सो इसलिए हम कहते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए साठ मिनट लगते हैं और साठ मिनट में एक सर्कल बन जाता है और सर्कल का एंगल जो होता है वो थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है तो इसका मतलब सिक्सटी मिनट में थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है ये पक्का समझ में आ गया सर हमें अब आगे बढ़ता है अब ये बताइएगा बारह से लेके एक ये दो नंबर के बीच में कितने मिनट का फासला है पांच मिनट का फासला है ठीक है और एक मिनट में एंगल जो बनता है वो डिग्री का एंगल बनता है तो पांच मिनट में जो एंगल बनना चाहिए वो कितने मिनट कितने डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है सो छह डिग्री इंटू पांच मिनट दैट विल बी थर्टी डिग्री का एंगल बनता है सो दो नंबर के बीच में जो एंगल बनता है ना मित्रों वो 30 डिग्री का एंगल बनता है और डिटेल में इलाबोरेट करके बता देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनट का कांटा पहले तीन पे था तीन से आगे एक मिनट आगे वो मूव हो गया तो तीन से एक मिनट आगे गया तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ वो सिक्स डिग्रीज का एंगल क्रिएट हुआ एक मिनट में छः डिग्री का एंगल क्रिएट होता है उसके बाद फिर से और एक डिग्री और एक मिनट आगे गया और एक मिनट आगे जाने के बाद फिर से सिक्स डिग्री का एंगल कवर किया और एक मिनट आगे गया फिर से सिक्स डिग्री का एंगल कवर किया ठीक है सो तो तीन मिनट में सिक्स 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 ठीक है उसके बाद फोर्थ मिनट में और एक सिक्स डिग्री का एंगल कवर किया और फिफ्थ मिनट में और एक सिक्स डिग्री का एंगल कवर किया इसका मतलब ये अगर हम को कर देते पांच बार सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितना बन जाता है मित्रों थर्टी डिग्री तो क्या हम कह सकते हैं पांच मिनट लगते हैं थर्टी डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो क्या हम ये भी कह सकते हैं पंद्रह मिनट में जो एंगल बनेगा यानी तीन से लेकर 6 तक पंद्रह मिनट बन जाता है यहां पे 5 मिनट यहां पे 5 मिनट और यहां पे 5 मिनट तो पंद्रह मिनट में कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट होगा मित्रों नाइन्टी डिग्रीज का एंगल क्रिएट हो जाता है तो आपको एमसीक्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनट के हैंड को 90 डिग्रीज का एंगल कवर करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे तो मिनट के हैंड को 90 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं ठीक है आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया है तो ये जो मैंने डिस्कशन किया वो मिनट हैंड का डिस्कशन किया एक बार उसको पूरा हम समराइज कर लेते हैं कि मिनट <coughs> हैंड को क्या क्या याद रखना है आपको मिनट हैंड को पूरा एक चक्री लगाने के लिए साठ मिनट लगते हैं साठ मिनट में वो थ्री डिग्री का एंगल क्रिएट कर देता है इसका मतलब एक मिनट में छह डिग्री का एंगल क्रिएट होता है इसका मतलब पाँच मिनट में तीस डिग्री का एंगल क्रिएट होता है इसका मतलब पंद्रह मिनट में नब्बे डिग्री का एंगल क्रिएट होगा पंद्रह मिनट में नब्बे डिग्री का पंद्रह को और बढ़ाइए डबल कर दीजिए पंद्रह के डबल तीस होगा तीस मिनट यानी आधे घंटे में एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल क्रिएट होगा ठीक है और थर्टी 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 को डबल कर दीजिए यानी सिक्सटी मिनट्स सिक्सटी मिनट्स में कितने का एंगल क्रिएट होगा फिर ठीक है अगर इसको हम लिखते हैं एक मिनट में छः डिग्री का एंगल क्रिएट होता है पाँच मिनट में डिग्री का एंगल क्रिएट होता है मिनट मिनट में में डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, और में डबल हो रहा है तीस मिनट में एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल क्रिएट होगा और इसको डबल कर देते हैं साठ मिनट में तीन सौ साठ डिग्री का एंगल क्रिएट होगा सो आई होप ये सबको समझ में आ गया है इसको नोट कर लीजिए मित्रों ठीक है सो so, कौन से कौन से एंगल क्रिएट हो रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया सो so, मित्रों मिनट हैंड का डिस्कशन तो हमारा कंप्लीट हो गया अब हम आर्स के का डिस्कशन शुरू करेंगे तो मिनट हैंड ने कैसे एंगल्स क्रिएट किए हैं मिनट में छह डिग्री का एंगल क्रिएट किया देन पांच मिनट में थर्टी डिग्रीज का एंगल क्रिएट किया पंद्रह मिनट में नाइन्टी डिग्रीज़ का एंगल क्रिएट किया थर्टी मिनट्स में वन एटी डिग्रीज़ का एंगल क्रिएट किया सिक्सटी मिनट्स में थ्री सिक्सटी डिग्रीज़ का एंगल क्रिएट किया सर ये हमारे दिमाग में एकदम परफेक्ट हो गया सर आपने जो भी बोला एकदम परफेक्ट हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया सर अब मिनट हैंड एकदम दिमाग में फिट अब सर आर का हैंड जो है ना वो कैसे एंगल क्रिएट करता है ज़रा एक बार वो भी बता दीजिए चलो आइए करते हैं शुरुआत आर्स के हैंड से मित्रों हम सब लोग जानते हैं ये जो आर्स का हैंड है ना ये बहुत ही धीमे 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 चलता है सबसे छोटा एंड हैंड जो है आर्स का एंड है सबसे धीमे चलने वाला ये एंड अब ये समझो ये हर्स का एंड जो है वो समझो 12 के नंबर से शुरू होता है तो वो धीरे धीरे, धीरे घूमना शुरू हो जाता है तो 12 से दोबारा 12 तक आने के लिए ठीक है ये आर्स के हैंड को कितना टाइम लगता है 12 आर्स लगते हैं बारह घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट होता है ठीक है ये तो हम जानते हैं सर आर्स के हैंड के बारे में सर हमें जानकारी है सर आपने पहले भी बताया था फॉर कंप्लीटिंग वन सिंगल रोटेशन एक सिंगल रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ट्वेल्व आर्स लगते हैं ठीक है सर और एक सिंगल रोटेशन कंप्लीट होने के बाद जो एंगल बनता है सर वो 360 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या हम कह सकते हैं सर आर्स के एंड को 12 आवर्स लगते हैं 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ओके सर और इस चीज को थोड़ा सा इलबोरेट कीजिएगा 12 आवर्स यानी कितने मिनट्स मित्रों जरा बताइए 12 आवर्स यानी कितने मिनट्स होंगे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं आप जानते ही हो तो 12 घंटे में कितने मिनट्स होंगे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा 12 आवर्स पर आवर 60 मिनट्स तो इन 12 आवर्स कितने मिनट्स होंगे सर आ गए कितने आ गए सर ट्वेल्व आवर्स इंटू सिक्सटी मिनट्स आ गए सर सेवन ट्वेंटी मिनट्स सात सौ बीस मिनट सर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर रहे हैं सर सर तो हमें पता चल गया सर कि आर्स के हैंड को जो सबसे छोटा वाला हैंड है आर्स के हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ट्वेल्व आवर्स लगते हैं ट्वेल्व आवर्स यानी सर सेवन ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं तो इसका मतलब सेवन ट्वेंटी मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है ये हैंड आर्स का जो सबसे टिंगू हैंड है ठीक है ये 720 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना लेता है तो क्या हम कह सकते हैं मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ठीक है आर्स का हैंड आ? अभी मिनट का हैंड की बात नहीं चल रही है अब दूसरा हाथ बदल दिया हमने पहला हाथ जो था वो आर्स का हैंड था सॉरी मिनट्स का हैंड था अब ये जो हैंड है वो है आर्स का हैंड ठीक है सो ये एचएच लिख देते हैं इसकी बात चल रही है इसके पहले मैंने जो डिस्कशन किया वो एमएच का डिस्कशन किया अब हम एचएच का आर्स के हैंड्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो आर्स का हैंड जो है वो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा ठीक है सो अब सेम कैलकुलेशन 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के लिए 720 मिनट लगते हैं तो 1 मिनट में वो कितने डिग्रीज डिग्री. तो का एंगल क्रिएट करेगा पॉइंट फाइव डिग्री थ्री सिक्सटी डिवाइडी करेंगे एक मिनट में आधे डिग्री का एंगल क्रिएट होता है ठीक है सो so ये जो अपना आर सैंड है बहुत धीमे भागता है इसके लिए तो मैंने बोला ये धीमे धीमे भागता है यानी धीमे भागता है का मतलब ये कम डिग्री का एंगल कवर करता है मित्रों ठीक अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ठीक है सो so अभी तक जो डिस्कशन किया उसको ऐसे समराइज करेंगे जो आर्स का हैंड है हमारा वो आर्स का हैंड जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ट्वेंटी ट्वेल्व आवर्स लगाता है और ट्वेल्व आवर्स में वो थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल क्रिएट करता है इसका मतलब ट्वेल्व आवर्स मीन्स उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो सेवन ट्वेंटी मिनिट्स में थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल कवर किया यानी एक मिनट में वो हाफ डिग्री का एंगल कवर करता है ठीक है हाफ डिग्री का एंगल कवर करता है ये हमने डिस्कस किया अब इसको और थोड़ा इलाबरेट करते हैं समझो फॉर एग्जाम्पल ये आर स्कैन टू पे है ठीक है so, सो उसके बाद एक दो तीन चार और पाँच मिनट है इसे टू से लेके थ्री के बीच में ठीक है अगर हम पाँच मिनट प्लॉट करते हैं तो समझो आर स्कैंड जो है वो टू से एक मिनट आगे बढ़ता है ठीक है सो टू से एक मिनट अगर आगे बढ़ता है तो वो जो एंगल क्रिएट होता है वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है हाफ डिग्री का एंगल क्रिएट होता है वैसे वो और एक मिनट आगे बढ़ता है तो और हाफ मिनट का एंगल क्रिएट होगा और एक डिग्री आगे बढ़ता है और एक मिनट आगे बढ़ता है और एक मिनट आगे बढ़ता है और एक minute बढ़ता है, और एक मिनट जैसे पाँच मिनट में जो जो एंगल क्रिएट करेगा वो आर्स का हैंड जो है ठीक है वो पाँच मिनट में जो एंगल क्रिएट करेगा ठीक है वो कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट होगा एक मिनट में अगर हाफ डिग्री का एंगल क्रिएट करता है तो पाँच मिनट में वो कितने डिग्रीज का एंगल करेगा कवर तो हाफ इंटू फाइव दैट इज टू पॉइंट फाइव का एंगल क्रिएट होगा मित्रों ओ सर इसका मतलब आर स्कैंड जो है वो पाँच मिनट में ढाई डिग्री का एंगल कवर करता है सर क्या हम कह सकते हैं फिर ये पंद्रह मिनट में जो है ना सर पंद्रह मिनट में हाफ इंटू पंद्रह साढ़े सात डिग्री का एंगल कवर करेगा सर ठीक है पंद्रह मिनट में सर कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा साढ़े सात डिग्री का एंगल सर इसका मतलब क्या हम ये भी कह सकते हैं सर ये जो आर्स का एंगल आर्स का हैंड है वो सेवन ट्वेंटी मिनट्स में वन बाई टू इंटू सेवन ट्वेंटी यानी कितने डिग्रीज का एंगल कवर करेगा सर वो ठीक है वन बाई टू इंटू सेवन ट्वेंटी यानी थ्री सिक्सटी डिग्रीज का एंगल कवर हो जाएगा सो so, मित्रो ये हो गया आर स्कैन का इक्वेशन ठीक है जैसे मैंने मिनट के हैंड का आपको कैलकुलेशन समझा दिया वैसे ही आर स्कैन का कैलकुलेशन समझा दिया तो ये याद रखना जो मिनट का हैंड एंगल क्रिएट करता है और जो आर्स का हैंड एंगल क्रिएट करता है वो दोनों के एंगल अलग अलग डिग्रीज के क्रिएट होते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे आर्स के हैंड को 720 मिनट्स लगते हैं 360 डिग्री का एंगल का क्रिएट uh, करने के लिए वही मिनट के हैंड को हमने देखा मिनट के हैंड को 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री का सर्कल 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देता है इसके पीछे वजह क्या है वो भी बता दूं जो अपना आर्स का हैंड है वो बहुत धीरे धीरे भागता है वही मिनट्स का हैंड जो है ना बहुत तेज़ी से भागता है तो इसके वजह से मिनट्स का हैंड जो है जल्दी एंगल क्रिएट कर लेता है कम टिक्स में एंगल क्रिएट कर लेता है वही आर्स का हैंड जो है वो धीमे धीमे चलता है इसलिए उसको ज़्यादा समय लगता है 360 सिक्सटी डिग्रीज का एंगल कवर करने के लिए ठीक है सो आई होप आपको मिनट्स के हैंड और आर्स के हैंड के कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे ठीक है चलो तो अब आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा वो क्वेश्चंस के फटाफट जवाब देने हैं राधर हम साथ साथ ही इसके आंसर सॉल्व करेंगे तो अब कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा पहले हम बात करेंगे मिनट्स हैंड के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे आर्स के के बारे में सो मिनट्स हैंड इसके बारे में बताइए मिनट के केस में आप लिखिएगा मत आप बता दीजिएगा मिनट सैंड जो है वो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा मिनट सैंड जो है वो एक मिनट में छः डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा ये हम जानते हैं भूलना नहीं उसके बाद मिनट सैंड जो है वो पाँच मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा मिनट सैंड जो है वो पाँच मिनट में थर्टी डिग्रीज़ का एंगल क्रिएट करेगा मिनट हैंड जो है वो पंद्रह मिनट में कितने डिग्रीज़ का एंगल क्रिएट करेगा मिनट सेंड जो है वो पंद्रह मिनट में नब्बे डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा देन तीस मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा एक सौ अस्सी डिग्री का और वही साठ मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा साठ मिनट में वो क्रिएट करेगा तीन सौ साठ डिग्री का एंगल ये हमने मिनट्स एंड के बारे में जाना मिनट्स के बाद आर्स के एंड के बारे में जान लेते हैं आर्स का हैंड जो है वो आर्स का हैंड कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है एक मिनट में वो सिर्फ हाफ डिग्री ठीक है हाफ डिग्री या उसी को हम 0.5 डिग्री का एंगल भी कहते हैं 0.5 डिग्री ठीक है सो हाफ डिग्री का एंगल क्रिएट करता है एक मिनट में पाँच मिनट में वो कितने का एंगल क्रिएट करेगा देखो दोनों केस में एक चीज़ याद रखना दोनों केस में क्या करना है आपको कैलकुलेशन एक मिनट के लिए याद रखना है एक मिनट का अगर आपने ये एंगल याद रखा तो बाकी एंगल्स अपने आप बन जाते हैं ठीक है सो मिनट हैंड जो है एक मिनट में छः डिग्री का एंगल क्रिएट करता है वही आर्स का हैंड जो है वो एक मिनट में आधे डिग्री का एंगल क्रिएट करता है बस ये याद रखो आगे का अपने आप आ जाएगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनट हैंड का बता देते एक मिनट में छः डिग्री का तो पाँच मिनट में कितना फाइव इंटू सिक्स पंद्रह मिनट में कितना फिफ्टीन इंटू सिक्स ठीक है देन थर्टी मिनट में कितना थर्टी इंटू सिक्स सिक्सटी मिनट में कितना सिक्सटी इंटू सिक्स ठीक है सो वन मिनट का कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है ये एक बार याद रखा तो फिर आगे के एंगल्स बस आपको उसको टाइम uh, को सिक्स डिग्री से मल्टीप्लाई करते जाना है उतने मिनट्स को सिक्स डिग्री से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे के एंगल्स अपने आप आ जाएंगे ठीक है चलो अब वैसे ही आर्स का का भी डिस्कस कर लेते हैं आर्स का हैंड जो है वो एक मिनट में हाफ डिग्री का एंगल क्रिएट करता है तो पाँच मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स में वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा फाइव मिनट्स इंटू हाफ डिग्री देन फिफ्टीन मिनट्स में फिफ्टीन इंटू हाफ देन थर्टी मिनट्स में थर्टी इंटू हाफ देन सिक्सटी मिनट्स में सिक्सटी इंटू हाफ तो ये जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं मित्रों वो कितने डिग्री के क्रिएट हो रहे हैं पहले टू पॉइंट फाइव डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ उसके बाद जो है सेवन पॉइंट फाइव डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ उसके बाद जो है फिफ्टीन डिग्रीज का एंगल क्रिएट हुआ उसके बाद जो है थर्टी डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ ठीक है उसके बाद अगर आगे हम डिस्कशन को बढ़ाते हैं मिनट्स में सॉरी सेवन ट्वेंटी मिनट्स में नॉट मिनट्स में जो है वो आर का हैंड जो है सेवन ट्वेंटी मिनट लेता है कंप्लीट रोटेशन के लिए तो सिर्फ हम आरस के हैंड में ये कैलकुलेशन डिस्कस कर करें सेवन ट्वेंटी मिनट्स में वो सेवन ट्वेंटी इन पॉइंट फाइव यानी इट विल क्रिएट एन एंगल ऑफ थ्री सिक्स इट विल क्रिएट एन एंगल ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्रीज ठीक है सो आई होप ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया ठीक है ये कैलकुलेशन आप पहले आपके नोटबुक में लिख दीजिएगा उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मित्रों एक प्रॉब्लम ऐसे है कि आ, ये जो इंस्टीट्यूट है अपने आईसी इंस्टीट्यूट ने क्लॉक्स के डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने ये सारा थेरी उसमें मैंशन ही नहीं किया तो इसके लिए आप डायरेक्टली मॉड्यूल पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये एंगल आए कहाँ से कैसा कौन सा एंगल क्रिएट होता है मिनट साइड क्या होता है आर साइन क्या होता है नथिंग हैज़ बिन मैंशनड उसमें डायरेक्टली उन्होंने दिया है कि हाँ इससे इतना एंगल क्रिएट होता है इससे इतना क्रिएट होता है तो ये आपके लिए समझना बहुत मुश्किल जाएगा तो जो दोस्त लोग मेरे डायरेक्टली मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो आ, उनके लिए वो लेक्चर पहले केयरफुली देखें उसके बाद मॉड्यूल पढ़े नहीं तो मॉड्यूल से आपको कोच समझ में नहीं आएगा ठीक है मित्रों आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्विक रिकायप ले लेते हैं क्लॉक्स का क्लॉक्स की हमने शुरुआत कहां से की थी तो पहले तो हमने पहले थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉक डिस्कस किए थे तो तीन बेसिक कंपोनेंट जो है क्लॉक के वो आपको एकदम दिमाग में फिट हुए होंगे सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो हमने डिस्कस किया वो था फेस ऑफ द क्लॉक या डाइल ऑफ द क्लॉक फेस जो है डाइल जो है वो सर्कुलर शेप की होती है सर्कुलर शेप यानी उसका जो एंगल होगा वो थ्री डिग्री का एंगल होगा उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन किया सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द क्लॉक वो है नीडल्स ऑफ द क्लॉक ये जिसको कहते हैं i am the hands of the clock तो तीन हैंड्स होते हैं सबसे फास्ट मूविंग हैंड जिसको हम कहते हैं है सेकेंड का हैंड से उसके बाद सेकेंड है जो हैंड होता है वो थोड़ा सा धीमे गति से भागता है मिनट हैंड और आखिरी हैंड जो है वो आर्स का हैंड है ऐसे है। तीन हैंड्स होते हैं सेकेंड्स का हैंड जो है वो कंप्लीट रोटेशन 60 सेकेंड में कंप्लीट करता है वन कंप्लीट रोटेशन मिनट्स का हैंड जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है और सबसे धीमे 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 चलने वाला जो आर्स का हैंड है वो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 12 आर्स में कंप्लीट करता है ठीक है उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट जो हमने डिस्कस किया था है तो है तो वो था नंबर्स इन द क्लॉक क्लॉक ठीक है में कितने नंबर्स प्लॉटेड है तो वन आवर के लिए वन नंबर है तो वन से लेकर ट्वेल्व तक नंबर प्लॉटेड है इसका मतलब ट्वेल्व आवर्स ही एक रोटेशन में कवर होते हैं एक दिन हमारा चौबीस घंटे का है तो चौबीस घंटे कंप्लीट करने के लिए जो आर्स का हैंड है उसको दो बार रोटेशन करने पड़ते हैं दो बार के रोटेशन में वो 24 घंटे कंप्लीट कर लेता है सो so ये सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉक के बारे में डिस्कशन किया कंपोनेंट्स डिस्कस करने के बाद हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया कि एंगल जो क्रिएट करता है आर्स का हैंड और मिनट का हैंड जो एंगल्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया उसका समर ही यहां पर है ही ठीक है वो आप देख रहे हो सो so सबसे पहले मिनट हैंड जो है वो एक मिनट में सिक्स डिग्री का एंगल कवर करता है पांच मिनट में थर्टी डिग्रीज का और बस हर एक जो आगे के मिनट्स है उसको सिक्स डिग्री से मल्टीप्लाई करते जाइए उतने का एंगल क्रिएट होते जाएगा ये सिक्स डिग्रीज हमने कैसे कैलकुलेट किया ये भी आपको पता होगा ठीक है 60 मिनट्स में मिनट का हैंड एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 60 मिनट्स में एक रोटेशन अगर कंप्लीट होता है तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो इसका मतलब एक मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन होगा 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी किया और हमने कैलकुलेट किया था सिक्स डिग्री का रोटेशन कंप्लीट सिक्स डिग्री का एंगल क्रिएट करता है एक मिनट में मिनट हैंड सो मिनट हैंड जब एक मिनट बढ़ता है तो सिक्स डिग्री का एंगल कवर कर लेता है वही अगर हमने आर्स के हैंड के बारे में डिस्कशन किया था तो आर्स के हैंड को पूरे बारह घंटे लगते हैं एक रोटेशन कम्प्लीट करने के लिए ट्वेल्व आवर्स यानी हमने ट्वेल्व आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया तो सेवन ट्वेंटी मिनट्स लगे तो सेवन ट्वेंटी मिनट्स में थ्री सिक्सटी डिग्री का सर्कल कंप्लीट किया है थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल क्रिएट किया है तो वन मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है तो हमने उसके लिए कैलकुलेशन किया थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई सेवन ट्वेंटी तो एक मिनट में यहाँ पे निकल आया आधे डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है ठीक है सो so, ऐसे हमने दोनों का कैलकुलेशन किया आई होप यहाँ तक के कैलकुलेशन समझ में आ गए हैं आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से रिवाइज कीजिएगा अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लॉक्स के ऊपर के एम और उसके अलावा भी बचे हुए कॉन्सेप्ट का होगा डिस्कशन डे